हाँ बा, जय श्री कृष्ण बा। जय श्री कृष्ण बाब। श्रुति ऑफिस नहीं आई है। हाँ बेटा, आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आज वो ऑफिस नहीं आएगी। उसे जरा फोन देंगे आप? हाँ हाँ, क्यों नहीं, एक मिनट। हाँ श्रुति, संजय का फोन। हेलो श्रुति, मैं जो कहने वाला हूं उसे ध्यान से सुनो। मैं जानता हूं कि तुम ऑफिस क्यों नहीं आई हो, तो मुझे तुम्हारे बहाने कन्विंस नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक बात याद रखना, ये जो नौकरी तुम्हें मिली है ना, वो कोई चैरिटी या कोई एहसान नहीं, और उसके पीछे और कोई एजेंडा नहीं और कोई वजह नहीं। ये तुम्हें मिली है क्योंकि तुमसे डिजर्व करती थी, और ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानती हो। तो अपने जॉब और इस ऑफिस के प्रति तुम्हारी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसे पूरा करो। मैंने तुमसे कल भी कहा था, तुम यूं अचानक ऑफिस छोड़ नहीं सकती हो। तुम इस वक्त एक महीने के नोटिस पीरियड में रहो, तो जब तक हम तुम्हारा रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढते हैं, बाय रूल तुम्हें आना होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। मैं कल आ जाऊंगी। गुड, आई सी यू टुमारो। श्रुति जी, बा कुछ हुआ है क्या? नहीं तो कुछ भी तो नहीं, मैं चाय लेकर आती हूं। अरे वेणीलाल, ये चादर आज धोनी थी, कोई काम तुम ठीक से नहीं करते हो। बुड्ढे खुसट, आपसे ज्यादा मुझे पता होता है, आप तो बस रहने ही दो। क्या जोड़ी है आप दोनों की, बिल्कुल चंगू मंगू टाइप। अरे जसबेन आप आइए। लो आ गई, उसके बाद कह रही है आप आइए। जोक्स बा जोक्स, अरे हंसिए ना। ठीक है, जय अंबे। जय अंबे। बताइए कैसे आना हुआ? मुझे लग रहा है कि आप भूल गई है कि ये घर मेरा है, बस वही याद दिलाने आई हूँ। श्रुति कहाँ है? बुलाइए श्रुति को, मुझे कुछ बात करनी है। श्रुति अंदर है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो आराम कर रही है। आपको जो कहना है आप मुझसे कहिए, मैं उसे बता दूंगी। ठीक है, तो फिर सुनिए बा, मेरे पास आप लोगों के लिए एक सुपर डुपर ऑफर है। वो मैं ये महीने का और अगले महीने का किराया माफ करने के लिए तैयार हूँ, तो आपके पास थोड़ा टाइम भी है? कैसा टाइम? अरे नया घर ढूंढने का, लगता है आप भूल गई है बा, मैंने आपको ये घर खाली करने के लिए कहा था कि नहीं। लेकिन जस्सू बहन, देखो बा, मैं इससे ज्यादा टाइम और अच्छी ऑफर नहीं दे सकती। चलिए बोलिए आप, ये घर कब तक खाली करेगी? अरे कुछ तो बोलिए बा, वरना मैं बेचारी भोली यही समझोगी कि आप लोग आज ही घर खाली करने वाले हो, है ना? जस्सू बहन, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। आप समझने की कोशिश कीजिए बा, और मैं भला क्या समझूं जब ये घर ही मेरा है। देखिए मुझे बिल्डर से इतनी अच्छी ऑफर मिल रही है कि मैं उसे ना नहीं बोल सकती बा, और इस बार तो वो श्रुति का लॉयर भी कुछ मदद नहीं कर सकता, उसे बोलो कि वो डांडिया ही खेले। हाँ देखिए बा, आप श्रुति से बात कीजिए और उसे कहिए कि ईमानदारी से एक तारीख तय करे और मुझे आकर बता दे कि जस्सू बहन, मैं इस तारीख को आपका घर खाली करने वाली हूँ, बस।
वरना मैं खुद तारिक ले आऊंगी, वो भी कोर्ट से लीगली नोटिस के साथ, समझ गई? चलो चलती हूँ, जय अंबे। A is equal to 305. B is equal to minus 15. SN is equal to 3250. Find N using the formula SN. Into the bracket 2A plus N समझदार, खाना बनाना आता हो, बेस्ट फ्रेंड के जैसे रहे, ऐसी लड़की चाहिए और जिसमें एक भी क्वालिटी कम नहीं होनी चाहिए। ये सब क्या हो रहा है? तुम अभी से शादी के बारे में सोच रहे हो? साइलेंस। और लिस्ट बना रहे हो कि लड़की कैसी होनी चाहिए? अकल नाम की कोई चीज है तुम में? नो 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 मिस, मैंने नहीं लिखा था, वो तो अम्मी ने लिखा था अपने अंकल के लिए। अम्मी, ऋषि जो कुछ भी बोल रहा है वो सही है? यस मैम। तुम स्कूल में पढ़ने नहीं लोगों की जोड़ियां बनाने आती हो? साइलेंट। सॉरी मैम। तुम दोनों अभी के अभी क्लास से बाहर निकलो। मैम, हमने भी हेल्प की थी चिट पास करने में, हम भी बाहर जाए? तुम दोनों भी निकलो। मसाले वाली भिंडी संजय को बहुत पसंद है, इसका मतलब है संजय खाने पे आ रहा है। नहीं बा, संजय नहीं आ रहा, ये मैं हम सबके लिए बना रही हूँ। मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। नहीं बा, मैं हूँ ना, मैं सब कर लूंगी, आप जाके आराम कीजिए। अरे मम्मी। हाय नानी। हाय। तुम बिल्कुल लकड़ हो, किताबें भूल आई थी। थैंक्स नानी। श्रुति, आते आते रास्ते में जसुबेन मिली थी, कह रही थी श्रुति को याद दिलाना मैंने क्या कहा था। क्या कहा था उसने? जसुबेन ने घर खाली करने का नोटिस दिया। क्या? जसुबेन ऐसा नोटिस कैसे दे सकती है? ये घर हमारे लिए सिर्फ घर थोड़ी ना है मम्मा,
इस घर में मेरे पापा की कितनी सारी यादें बसती हैं। इसे हम कैसे छोड़ देंगे? नहीं, इस घर को हम कभी नहीं छोड़ेंगे। मामा, आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? बताती तो क्या होता, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। यही तो प्रॉब्लम है आप सब बड़ों की। अमी, हम बच्चों को कच्चा ही समझते हैं। अगर आपने मुझे ये बात पहले बताई होती मैं यूं सुलझा देती। कैसे? ऐसे, संजय अंकल को फोन करके। वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। तुम संजय अंकल को फोन नहीं करोगी। पर क्यों? मैं उन्हें हमारी घर की प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती, समझ गई तुम? लेकिन मम्मा, ये इतनी बड़ी बात है, अगर मैंने उन्हें नहीं बताया तो मुझे डांटेंगे कि मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अगर तुमने उन्हें फोन किया ना, मैं तुम्हें इतना डांटूंगी कि जिंदगी भर वो डांट याद रहेगी तुम्हें, समझ गई तुम? वो नीचे रखो। तुमने सुना नहीं अमी मैंने क्या कहा? फोन नीचे रखो अभी। क्या आपको क्या हो गया है मम्मी? प्लीज प्लीज, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, संजय को हमारे घर के मामलों में इन्वॉल्व करना बंद कीजिए। वो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहा है, मैं और उसका एहसान नहीं उठा सकती। ये मेरी गुजारिश है आपसे। श्रुति, चलिए, आपको चार्जर चाहिए था ना? हाँ। और ये रखिएगा, मेरे पास दूसरा है। अरे वाह, मैंने तो उधार मांगा था, भगवान ने ओनरशिप दे दी। संजय, ये देख, भावना के लिए। अच्छी है, उसके बर्थडे पे दे देना। सगाई के लिए है। अरे वाह, दूसरा लड़का ढूंढ लिया उसने। मजाक नहीं है संजय। इसलिए तो कह रहा हूँ, अगर मजाक नहीं है तो जबरदस्ती रिश्ता बांधने की कोशिश मत कीजिए, वरना खामखा उस लड़की का मजाक बना के रख देंगे हम। आप अच्छी तरह से जानती हैं मेरी पसंद क्या है। संजय, माँ तेरी, तेरे लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है भली भांति जानती हूँ। चल, मैं तुझे फोर्स नहीं करती, लेकिन तू तो एक बार कोशिश कर, तेरी माँ के दिल में क्या है, वो अपनी जिद से पीछे क्यों नहीं हट रहे? बेटा, जब तू छोटा था ना, मैंने तुझे कभी सुयश के कपड़े नहीं पहनाए और ना ही कभी सेकेंड हैंड खिलौने दिए। बड़ा हुआ तो सेकेंड हैंड गाड़ी नहीं दी मैंने तुझे। बेटा, अब तो तेरी शादी का मामला है, तू ही सोच। तू सही है? मैं माँ की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन आप इन्हें समझाइएगा कि सोच बदलने की जरूरत मुझे नहीं, इन्हें। तो क्या सोचा है तुमने? सोचना क्या है मम्मी, मैंने कहा ना तुमसे, अब संजय से मेरा कोई रिश्ता नहीं बन सकता। तुम्हारी मर्जी, तुम मुझे बस तीन सवालों के जवाब दे देना सच्चे। मम्मी प्लीज, पहेलियां मत बुझाओ, जो बात है ना वो साफ साफ कहो। कभी कभी पहले सवाल के जवाब में दूसरे का हल भी मिल जाता है। तुम बस सवाल सुन लो और जो पहला जवाब दिल में आए बता दो। पहला सवाल, तुमने आज सारा दिन संजय के बारे में सोचा है? श्रुति बोलो। तुमने संजय के साथ जो बर्ताव किया उसका तुम्हें बुरा लगा है? हाँ। अब तीसरा सवाल,
क्या तुम सिर्फ इसलिए अपसेट हो कि संजय ने तुमसे आई लव यू कहा? बोलो श्रुति, जवाब दो। मैं इस सवाल का जवाब दे चुकी हूँ, फिर बार बार वही चीज क्यों पूछ रही हो तुम? क्यों क्यों नहीं पूछ सकती? मैंने तुम्हें बता दिया है कि मैं संजय के बारे में क्या फील करती हूँ। मैं यही जानना चाहती हूँ श्रुति, कि तुम संजय के बारे में ऐसा क्यों फील करती हो? मम्मी, मुझे इस बात पर बहस नहीं करनी, एम आई क्लियर? तुमने इस सवाल का जवाब ना देकर मुझे जवाब दिया है श्रुति। जब दिल से 100% ना नहीं निकलती है ना, तब समझ लेना चाहिए कि हमारी सोच हमी से उलझ रही है। एक बार फिर कह रही हूँ श्रुति, अगर तुम संजय से प्यार नहीं करती तो उसे साफ साफ बता दो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो अपने दिल को एक बार फिर टटो, शायद कुछ और जवाब मिल जाए। मैंने घर खाली करने का नोटिस दिया है। क्यों कर रहे हो? लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट, चुप रहना तू। क्या हुआ दीदी? अच्छा नींद नहीं आ रही है, एसी लगवा दूं? तंग मत कर मुझे। क्या करते थे ना, आज पापा होते ना तो इस घर पे कोई मुसीबत नहीं आती। इस घर में हर चीज में उनकी याद बसी हुई है। याद है पापा पलंग पे इसी जगह पर बैठा करते थे, तो उनके गोद में होती थी और मैं यहाँ। वो रोज कोई ना कोई नई कहानी सुनाते थे खुद की बना के। वो डेस्क है ना, उस पे बैठ के पापा ने मेरे सारे मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। ये पर्दे, रूम का कलर सब पापा ने पसंद किया था। इस घर की हवा में भी पापा की याद बसी हुई है। अगर हम नए घर में जाएंगे तो मुझे लगेगा कि हमने पापा को फिर से एक बार खो दिया। मुझे नहीं जाना इस घर को छोड़ के,
पर मम्मी मना करेगी कि संजय अंकल से इस प्रॉब्लम के बारे में कोई बात नहीं करनी। अब क्या करोगे तुम तो? संजय अंकल को फोन करोगी? क्योंकि जिस तरह से रो रही हो ना, उस तरह से लगता है कि तुम संजय अंकल को फोन कर ही दोगी। नहीं, अब मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगी। हम संजय अंकल की मदद बाद में लेंगे, पहले उनको हमारी मदद की जरूरत है। क्यों, उन्हें क्या प्रॉब्लम है? अरे उनके लिए लड़की ढूंढनी है ना। हाँ, तो पहले हम संजय अंकल की मदद करेंगे, और अगर जसुबीन ने ज्यादा प्रॉब्लम की तब हम संजय अंकल की मदद लेंगे, या तो अपने तरीके से निपटेंगे। क्या कहती हो तुम? दीदी।